हेलो जी, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। और देखो आपको क्या दिखा रही हूँ, दिवाली आने वाली है और सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कपड़े की, कोई किस चीज़ की। और हमारा तो गार्डन है, तो हम क्यों ना अपने गार्डन के लिए शॉपिंग करें। तो ये है मेरी दिवाली की शॉपिंग, मेरे गार्डन की। एक एक चीज़ को दिखाऊंगी और बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कितने में ली। तो बने रहना मेरे साथ। इससे पहले मैं डेकोरेटिव प्लांट नहीं लेती हूँ, मोस्टली वेजिटेबल की गार्डनिंग करती हूँ। लेकिन अब मन जो है वो मेरा डेकोरेशन का भी करने लगा, सबकी वीडियो देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं। तो ये प्लांट मैंने प्राइवेट नर्सरी से लिया है, और पता नहीं कैसे आपकी वीडियो में नज़र आएगा, लेकिन बहुत ही सुंदर पत्ते हैं। और मैंने कोशिश की है, इसकी कई टहनियाँ हैं, एक टहनी वाला भी था, कई टहनियाँ हैं इसमें। देखो रात है, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ, दिन में टाइम ही नहीं लगता। तो एक दो तीन, तीन टहनियाँ हैं, ताकि मैं इसे और नया प्लांट बना लूँ। और देखो ये मुझे इस गमले के समेत मिला है, ये 10 इंच का गमला भी है ना, इसके समेत ये मिला है। और देखो कितनी सारी इसकी टहनियाँ भी हैं, बहुत ही हेल्दी सा प्लांट मिला मुझे। और जब से आया है ना, आज 2 दिन पहले लिया था मैंने इसे। और देखो मिट्टी जो है इसकी कैसी है मुझे नहीं पता, पोरस सी है। और ये मिला है मुझे विद पॉट 200 रुपये का। तो मुझे बताना, प्राइवेट नर्सरी है तो उसमें तो इतने के तो मिलेंगे ही, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप बताना कैसा लगा, तमन्ना थी तो ले लिया। और ये प्लांट है मेरा हार सिंगार का, पारिजात भी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय पौधा है। और मैंने कई बार पारिजात की कटिंग भी लगाई है, लेकिन सक्सेस नहीं हुई मेरी अभी तक। और देखो जब से आया ना, मैंने इसमें पानी भी नहीं दिया, इतनी लापरवाही भी करती हूँ मैं। अभी दूंगी पानी, है ना। वो मिट्टी देखो बिल्कुल सूखी हुई है इसकी। और ये मिला मुझे इस पॉली बैग में, इसकी जड़ें नीचे तक ज़मीन में थी। वो लोग तो ज़मीन में रखते हैं ना, तो ज़मीन में थी। मैंने पूछा भी था कि ये ज़मीन की जड़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, तो इसे मैं रिपॉट करूँगी तो दिखाऊँगी। और ये मिला है मुझे उसी नर्सरी से 100 रुपये का। तो ये कैसा है, महंगा या नहीं है बताएं मुझे। वैसे इसकी कटिंग भी लाई थी मैं, पार्क में गई थी तभी मैं लाई थी ये सब कुछ, तो वहाँ से कटिंग भी लाई थी। लेकिन 2 दिन हो गए अभी मैंने कटिंग को जो है लगाया नहीं है, तो ऐसे ही मेरी कटिंग फिर शायद इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाती, मैं टाइम ज़्यादा लगा देती हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और ये लिए थे मैंने वहीं से बीज, ये मूली के हैं, ऐसे घर की भी मूली के बीज रखे हैं, फिर भी मैंने ले लिया, दोबारा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये है फूल गोभी के बीज, तो ये भी मैं जल्दी लगाऊंगी, पौध लगानी पड़ती है ना। और उसके साथ ही ये दो पॉट, ये पॉट लिया है 50 रुपये का, शायद 50 का ही है ना, प्लास्टिक का है। और ये वाला जो है वो 120 का है, उसी नर्सरी से लिया मैंने ये सारा सामान। और ये है मेरे मिट्टी के पॉट, देखो थोड़े से डेकोरेटिव से हैं, तो दिवाली में मिट्टी के डेकोरेटिव से प्लांट लिए मैंने, इसलिए लिए। ये सब मैंने गुलाब के लिए लिए हैं, है ना। एक ये रहा, ये सब एक ये रहा, इस पे भी कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है देखो, है ना। और ऐसे ये भी कुछ डिज़ाइन वाला, इसके अच्छे लगे मुझे ये डिज़ाइन, पास से दिखाऊं तो देखो कितने अच्छे डिज़ाइन बने हैं। ये सब चारों के चारों पॉट मैंने लिए हैं गुलाब के लिए। गुलाब जो है काफ़ी सेंसिटिव पौधा है, और गर्मी में खासकर, जब बहुत तेज़ गर्मी थी अब की बार मेरे कई गुलाब मर गए। प्लास्टिक के पॉट में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो मिट्टी भी गर्म हो जाती है, और ऊपर से पानी, तो जड़ें जो थी वो गल गई और ख़राब हो गई। तो उन्हीं का गुलाब को ही लगाऊंगी, रिपोर्टिंग करूंगी। मौसम अच्छा है, अक्टूबर आधा चला गया, तो अब गुलाब की रिपोर्टिंग दिखाऊंगी आपको। और ये चारों के चारों 100-100 रुपये के हैं, यानी कि कुल मिला के 400 रुपये में ये पॉट दिए हैं उन्होंने मुझे। और ये पौधा है कोलियस का, तो कोलियस का ही है ना, बहुत ही सुंदर इसके पत्ते लगे मुझे,
तो ये मुझे गवर्नमेंट की नर्सरी में गई थी मैं, तो वहाँ से मैं खाद लेके आई थी, गोबर की खाद, 10 रुपये किलो देते हैं वो, और वहाँ से मुझे ये पौधा मिला था। मुझे सुंदर लगा इसके पत्ते, तो मैंने वहाँ से ले लिया इसको। और ये भी इस छोटे से पॉट में, 6 इंची पॉट होगा मेरे ख्याल से, इसमें मुझे मिला, ये मुझे 43 रुपीज़ का मिला, और उसी गवर्नमेंट की नर्सरी से मैंने लिया था। ये मेरा नींबू का पेड़, मेरा नींबू का पेड़ भी अब की गर्मियों में ख़राब हो गया था, क्योंकि गर्मी थी इतनी तेज कि प्लास्टिक की बाल्टियों में मैंने कंटेनर में लगा रखा था, तो वो भी मेरा ख़राब हो गया था। तो इसको भी ये विद पॉट, ये ज़्यादा विद पॉट, ये मुझे 101 रुपये का, उसी नर्सरी से पहले भी लिया था मैंने नींबू का पेड़, तो वो पेड़ भी 101 का ही मिला था, लेकिन मैंने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया दूसरे पॉट में, प्लास्टिक के में, तो वो ख़राब हो गया। तो ज़्यादा अब की बार गर्मी थी, मोटी प्लास्टिक के उसमें अगर हम लगाते हैं छोटे पॉट, तो हमारे अक्सर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरी सारी शॉपिंग थी दिवाली के मेरे प्लांट्स के लिए, और इसके साथ ही मैं कुछ और भी लाई थी, कटिंग वगैरह भी लाई थी, तो वो भी दिखा दूँ, लेकिन 2 दिन हो गए वो सूखने को हो रही है। तो देखो, उसी पार्क से ये लाई थी मैं नीम के काफ़ी सारी डंडियाँ, ताकि मैं इनमें से दातुन भी कर लूँ, और इसको बॉयल करके जो पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसको क्या है कि चेपे जैसी जो एक कीड़ा है ना, वो नीम के ऑयल से उतना अच्छे से ठीक नहीं हो रहा, तो इसका अब मैं करूँगी। सूख गया 2 दिन तक, काफ़ी कोई बात नहीं, लेकिन कड़वाहट इसमें अभी भी है, और इसे बॉयल करूँगी तो स्प्रे करूँगी, दिखाऊँगी आपको। और ये लाई थी मैं कटिंग वहीं से, पार्क में बहुत सारे पौधे हैं, आराम से कटिंग ले सकते हैं। तो देखो ये वाइन है, जैसे स्वीट वाइन है ना मेरे यहाँ पे काफ़ी, तो उसी तरह की है, डेकोरेटिव प्लांट है, तो इसको मैं लगा दूँगी। और मैं तो देखें, मैं जो ये बेल लेके आई थी ना वाइन की, इसको लगा दूं आज। ये कटिंग लाई थी कई और लगा नहीं पाई, तो ये वाइन की बेल, ये वाइन को लगा रही हूँ मैं। तो देखो इसमें कितने सारे मैंने ये इस वाले पानी में ना, फंगी साइड के पानी में डाल रखी थी सभी पौधे, और देखो इसमें तो कितनी सारी ना, सिर्फ 2 ही दिन हुए, और कितनी सारी इसमें रूट बन गई, आप देखो रूट बन गई। 3 ही मैं टहनियाँ लाई थी पार्क से, और इनकी रूट जहाँ भी ये भीगी हुई है, रूट देखो ज़रा कितनी बन गई। तो इनमें तो और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सीधा मैं इन्हें लगा ही दूँगी। फ़िलहाल मैंने ये बास्केट भर लिए मैंने, इसमें नीचे पत्ते वगैरह हैं, कुछ कंकड़ हैं, कि पानी जो है वो पूरा मिट्टी नारे से, और कुछ कोकोपीट है, वही मिट्टी जो हम अपनी सभी उनमें करते हैं, तो इसी में लगा दूँगी अभी फ़िलहाल। ये वाइन जो है मोस्टली गर्मी में ज़्यादा अच्छे से चलती है, तो मैं फ़िलहाल इसी में लगा दूँ, ऐसे कैसे लगा दूंगी। ये देखो पत्ता पीला हटा दिया, और ऐसे कैसे इसको दबा दूंगी, बाद में जब गर्मी आएगी ना, तो इसको और कई बास्केट दे दूंगी। अभी तो समझ लो एक तरह से जिंदा रहे और स्टोर रहेगी मेरे इसमें, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक टहनी मैंने यहाँ लगा दी, मिट्टी तो मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मिट्टी मैंने बनाई है, और देखो यहाँ भी कितनी बड़ी बड़ी इसमें रूट्स आ गई हैं। ये बिल्कुल शकरकंदी जैसी है, हो सकता है ये शकरकंदी हो, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। मैं मोस्टली इसको डेकोरेटिव जो बास्केट्स हैं उन्हीं में लगा हुआ देखती हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ लगा दूँ। मुझे 2-3 दिन हो गए लाए हुए, तो मुझे लगता है ख़राब ना हो जाए, तो मैं फटाफट इसको लगा रही हूँ स्पीड से, कुछ तो बचे, अक्सर लेट हो जाते हैं मेरे पौधे। और मुझे लगता है एक रीज़न ये भी है, कुछ सिंपल वाली तो कटिंग लग जाती हैं, जो थोड़ी सी मुश्किल वाली कटिंग होते हैं वो नहीं लग पाती, तो तीसरी ये भी है ना, तो इसे भी दबा दूंगी।
और पानी तो मैंने पहले ही डाल लिया था इसमें खूब सारा, बस और ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल और हार्डी बेल है तो आराम से ये लग जाएगी। और ये थोड़ा सा फंगी साइड का ही पानी डाल दूँगी, बाकी इसमें पानी ऑलरेडी बहुत है ना, फंगस इसमें लगती नहीं है। तो देखो ये लग गया एक छोटी सी बास्केट में, कम से कम स्टोर हो जाएगी, पनपती रहेगी और आगे मैं इसको फिर किसी और दूसरी भी बास्केट दे दूँगी। और ये मेरा प्लांट है हिबिस्कस, है ना, तो ये भी एक छोटी सी मैंने लाल रंग की इस पे वो लगी हुई थी बड, तो पता नहीं कहाँ चली गई, दूसरे पे थी तो मैं ये तोड़ लाई थी, तो इसको भी दे दूँ एक पॉट। अब की बार जो मैं पॉट दे रही हूँ उसमें रेती की मात्रा ज़्यादा है, मैंने कुछ दिन पहले भी लगाई थी, कोकोपीट और रेती ज़्यादा है, थोड़ा सा गार्डन की सॉइल है और नीचे पत्ते वगैरह हैं, है ना, तो बस कटिंग करूँगी इसकी और अपने कटर को कर लूँगी सैनिटाइज़। तो सैनिटाइज़ क्या करूँगी मैं, तो एलोवेरा जेली लगाऊँगी